शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना, कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ, कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीबी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती, अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ, अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू, जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीबी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू, कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए, क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ। आई बड़ी बातें बनाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, अब जानती है कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी पराए की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा, आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और अपनी दूसरी बीवी से यह मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन, ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है, तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो, एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मामी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे, आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो,
लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद, मम्मी बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ, वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, अब मेरा इस घर में क्या काम। अभिमन्यु की बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना, उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु कहाँ है आपका बच्चा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उसे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग, अब क्या होगा? मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहां जाकर बात की थी, और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहां पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।